सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस मार्क 1A को मीटियोर मिसाइल से इक्विप करने की योजना बना रही है, तो आज के एपिसोड में हम आपको इसी मीटियोर मिसाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। मीटियोर एक नेक्स्ट जनरेशन की एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे यूरोपियन डेवलपर MBDA मिसाइल सिस्टम ने विकसित किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वो होती हैं जिनका इस्तेमाल उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है जो पायलट की विजुअल रेंज के अंदर नहीं होते हैं। यानी इन मिसाइल्स की मदद से पायलट उन टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है जो उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मीटियोर मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज के मैन्यूरिंग टारगेट्स के खिलाफ एक मल्टी शॉट कैपेबिलिटी प्रदान करती है, और इंडियन एयरफोर्स को जो डसॉल्ट राफेल फाइटर्स मिलने वाले हैं उन्हें भी इसी मिसाइल से इक्विप्ड किया जाएगा। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इस मिसाइल का वेट 190 किलोग्राम, लेंथ 3.7 मीटर और डायामीटर 0.178 मीटर है, और ये मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये मिसाइल 100 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इस मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने के लिए इनिशियल गाइडेंस, मिड कोर्स अपडेट वाया डेटा लिंक और टर्मिनल एक्टिव रडार होमिंग जैसे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, और ये मिसाइल Mach 4 यानी करीब 4,939 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। मौजूदा समय में ये मिसाइल फ्रांस की फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी, स्वीडन की स्वीडिश एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स और फ्लीट एयर आर्म द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, और भविष्य में इस मिसाइल के यूजर्स में भारत, इजिप्ट, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, कतार, सऊदी अरेबिया, स्पेन, थाईलैंड और ब्राजील जैसे देश शामिल होंगे। हालांकि भारत ने मीटियोर मिसाइल की तरह ही एक खुद की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी विकसित किया है, जिसका नाम है अस्त्र। लेकिन अस्त्र मिसाइल को एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से इक्विप किया गया है, और इसकी ऑपरेशन रेंज भी मीटियोर मिसाइल से थोड़ी कम है। और जबकि मीटियोर मिसाइल को एक रैमजेट इंजन से इक्विप किया गया है, और इसकी ऑपरेशन रेंज अस्त्र मिसाइल से ज्यादा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा तो ये इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को दोगुना करने में मददगार साबित होगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।